आगामी 5 वर्षांमध्ये 70% सर्व प्रकारची वाहनं ही सौर ऊर्जेवरती धावतील असं जुरमल टुनवाल यांनी प्रतिपादन केलं. सरकारने सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले असून डिझेल आणि पेट्रोलमुळे परकीय गंगाजळावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. तसेच प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ई व्हीकलला प्राधान्य दिले असून आगामी 5 वर्षात जवळपास 70% सर्व प्रकारचे वाहनं ई व्हीकलमध्ये समाविष्ट असा विश्वास टुनवाल ई बाईकचे जुमरमल टुनवाल यांनी सांगितलंय. टुनवाल ई बाईकचे अध्यक्ष जुमरमल टुनवाल यांनी महाराष्ट्राचे टुनवाल ई बाईकचे डीलर HU गुगळे यांच्या शोरूमला भेट दिली. यावेळी HU गुगळे उद्योग समूहाचे रमेश भाऊ गुगळे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी HU गुगळे पतसंस्थेचे व्यवस्थापक वैभव कुलकर्णी, झुबेर पठाण, रवींद्र कडगल, कथोरिया साहेब आदी यावेळी उपस्थित होते. यानंतर श्री गणेशाची आरती टुनवाल यांनी करून शोरूमची आणि गोडाऊनची पाहणी करून समाधान व्यक्त केलं. उद्योजक जुमरमल टुनवाल यांनी HU गुगळे उद्योग समूहाच्या बायोटेक कंपनीला भेट देऊन केळी, डाळिंब, बांबू आणि इतर विविध प्रकारच्या टिश्यू कल्चर प्लांटची पाहणी केली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, HU गुगळे उद्योग समूहाचे रमेश भाऊ गुगळे यांनी ग्रामीण भागात टिश्यू कल्चरचा प्लांट उभारलाय. या व्यवसायात 90% धोका आहे, तरी हा उद्योग स्वीकारून यशस्वी करून दाखवलाय. यामध्ये त्यांनी उद्योग व्यवसायाबरोबरच सामाजिक कार्य करून आपलं कर्तव्य निभावलंय असे उद्योजक टुनवाल म्हणाले. टुनवाल यांनी पुढील महिन्यात आपण बाईक बाजारात आणणार आहेत, त्याची किंमत 1.5 लाखापर्यंत असेल. सरकार 40 ते 45 हजार रुपयापर्यंत अनुदान देणार आहे, त्यामुळे ती बाईक 1 लाख रुपयापर्यंत जाईल. प्रति किलोमीटर 60 पैसे खर्च ग्राहकांचे होणार आहे. तसेच पुढील 6 महिन्यात 4-चाकी वाहन कंपनी बाजारात आणणार आहे. 3 लाख रोजगार निर्मिती होईल असं सांगून येथून पुढे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कंपनी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. HU गुगळे उद्योग समूहाचे रमेश भाऊ गुगळे यांनी टुनवाल बाईकचे अध्यक्ष जुमरमल टुनवाल यांचे शाल श्रीफळ देऊन सत्कार केला. उद्योजक टुनवाल यांनी शोरूमला आणि बायोटेक कंपनीला भेट दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. कृषी भूषण रवींद्र कडगल यांनी आभार व्यक्त केले. वही लोग इसमें आते हैं कि भी जो समाज के लिए कुछ करना है, आने वाली आगे जो जनरेशन है उसके लिए जो करना है उसके लिए वही लोग इसमें मीन्स आते हैं और वही एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता वही मैं तो उनको हीरो मानता हूँ. ये वैसे ही इनका काम अभी आपने ये लाइन स्टार्ट किया हुआ है, ये अभी कैसे ये लाइन दबी हुई है, बट कल इसका ना जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे. क्योंकि नहीं जैसे मान लो बनानाज अभी वाला अच्छे आए, क्वालिटी बनानाज बनेंगे, वो एक्सपोर्ट होंगे, तो बहुत सारे उसमें से उनको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा. तो बहुत सारे लोग इसमें फिर आएंगे, वो फिर कैसे है कि शॉर्ट टर्म के इसमें रहेंगे कि भाई हाँ लगाया बनाया 9 महीने में तैयार हो रहा है, क्योंकि वो बिक रहा है. लेकिन वो उन लोगों को ये नहीं मालूम कि इसको जिसने स्टार्ट किया, डेवलपमेंट किया, वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि भी उससे लोगों को आदत लगाई है. मान लो कोई भी नया चीज़ बनाया और उसे एक लोगों को आदत लगाई, उससे इतने सारे लोगों को काम दिया और काम देने के बाद जब वो प्रोडक्ट एकदम पॉपुलर हो जाता है तब तो सब लोग आ जाते हैं. लेकिन वो क्रिएशन जो करता है ना वो हीरो होता है. यहाँ तक आने का जाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है. हर एक को जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, उनको पहले पूरा समझाना पड़ता है कि भी नहीं तुझे लाइफ मिली है तो लोगों के लिए भी कुछ कर, देश के लिए भी कुछ कर, तो वो लोग इसमें तैयार होते हैं. क्योंकि आज का अभी का जो जनरेशन चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है, तो वो जैसे सबको एकदम फास्ट फास्ट चीज़ें चाहिए, तो वो ऐसी लाइन में क्यों आएंगे. आप इसमें कोई भी न्यू जनरेशन को उठा के ला के देखो, कोई आने के तैयार होता है क्या? नहीं, कोई नहीं तैयार होता. हाँ नई जनरेशन जो अभी मान लो कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे, उनको बोलेंगे नहीं तुम्हें ये करना है, तो जल्दी से तैयार नहीं रहे. आप 1000 बच्चे लाएंगे उससे 10 ही बच्चे तैयार हो पाएंगे, जिनको ऐसे कुछ अलग लगाव रहेगा, कुछ अलग उसकी भावना रहेगी, वही उसमें तैयार हो पाए. तो ऐसा ग्रुप बनाना भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट का काम है. आप थोड़ा 5 मॉडल है जो अभी तो छोटे चल रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके लिए सभी पॉपुलर ही है, तो 5 मॉडल है वो काफ़ी अच्छे इसमें सेल आ रही है, जो कस्टमरों को अच्छे पसंद आ रहे हैं और उनको उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है. 46-48 वोल्ट है, स्ट्रॉन्ग ZX है, एक अल्फा प्रो है, एक लिथिनो प्रो है, एक T133 है, रोमा है, ये सभी मॉडल एक अलग अलग एरिया में चल रही है. जैसे स्पॉट 43-48 वोल्ट है वो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और स्टॉम ZX है वो साउथ में ज़्यादा ये खरीदते हैं. ऐसा क्यों? उधर नॉर्थ में कैसे है कि मैंटलिटी ऐसी है कि वो कम प्राइस पे करना चाहते हैं, यानी उनको लोअर मॉडल चाहिए. साउथ में कैसे हाई टेक्नोलॉजी वाले, यानी उनको कैसे न्यू आया और महंगा है, वो नए के ऊपर ट्राई करते हैं.
नॉर्थ में नए के ऊपर ट्राई नहीं करते, यानी वो रिस्क नहीं लेते। महाराष्ट्र में है या इधर है, तो यहाँ पे कैसे कुछ भी अगर आप न्यू चीज़ लॉन्च हुई है तो उसके ऊपर सब लोग इमीडिएटली बाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो ट्रायल तो करके देखते हैं कैसा नया है, तो कुछ ना कुछ न्यू आया, यानी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में उसको एक्सेप्ट करते हैं। बट नॉर्थ में न्यू टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते, पहले दूसरे का चला के देखेंगे वो सही चल रहा है तब उसके ऊपर लेना है। हाँ, एक बार चल पड़ा तो फिर वो सभी लोग लाइन लगा देते हैं। मार्केट की डिमांड आ रही है उसके हिसाब से मॉडल 12 मॉडल के करीब है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइमिंग चेंज होता है लोगों की थिंक चेंज होती है, तो मार्केट के साथ में चलने के लिए उसमें कुछ ना कुछ न्यू डिज़ाइन, न्यू लुक, न्यू टेक्नोलॉजी वो लानी रहती है। तो उसमें मोस्टली जो पॉपुलर है वो कुछ 6 या 7 मॉडल ही है, बाकी जो मॉडल है वो कैसे धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होते जाते हैं। जैसे मारुति 800 पुरानी थी, वो डिसकंटिन्यू, उसके जब दूसरी आ गई फिर दूसरी, तो मॉडल बढ़ते जाते हैं, पुराने वाले वो डिसकंटिन्यू होते जाते हैं। वो तो समय के साथ में चलना पड़ता है, चक्र एनी अगर ख़राब रास्ता है तो भी चले गई रुकेगा नहीं, कम आएगा, लाइफ कम हो जाती है। देखो सस्पेंशन आया, आप जितना उसको ज़्यादा यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे खींच जाएगा। अब एकदम प्लेन रोड रहेगी तो टायर आपको 3 साल चल जाएगा, और अगर खड्डे वाली रोड रहेगी तो आपको 1 ईयर में चेंज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका यूज क्या है, उसकी यूज करने हैं, टायर चेंज करने हैं, बैटरी चेंज करनी, बाकी चीज़ें उसमें कुछ ये नहीं होती। जो पार्ट घिसके जा रहा है उसको चेंज करते जाओ। अब बाहर गाँव गए और नहीं करके ले रहे लोडिंग ट्रक और बसेस, क्योंकि उसकी ही ज़्यादा डिमांड है। कार में कैसे बड़े बड़े प्लेयर और भी बहुत सारे आ रहे हैं, वो कंपटीशन और ये सब चीज़ों में बहुत सारा स्टडी है, तो उसकी बजाय जो लोडिंग है वो अवरी जगह पे लगती है। और वैसे ही स्कूल बस है, ये है बसेस का जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, एक गांव से इस गांव में जाना आना है तो वहाँ पे वो रोज़ लगता है, तो उसमें हम 6 महीने के बाद में हमारा प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। 3-व्हीलर प्रतिनिधि अशोक निमोणकर, न्यूज़ टुडे 24, जामखेड़। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।